नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। गायब नुपुर शर्मा कहाँ है? क्या उनकी गिरफ्तारी होगी? कौन उसको बचा रहा है? नुपुर शर्मा को किसने गायब कराया है? अगर गायब कराया है तो कहाँ है नुपुर शर्मा? ये सवाल अब इसलिए उठने लगे हैं कि जिसके वजह से पूरा हिंदुस्तान जला, जिसके वजह से किसी एक समुदाय पे बुलडोजर चला, असदुद्दीन ओवैसी का आरोप है। आखिर वो नुपुर शर्मा गिरफ्तार क्यों नहीं हो रही? वो दिल्ली पुलिस कहाँ है जिन्होंने 30-40 उन लोगों पर एफआईआर दर्ज किया जो तहलका मचाते हैं और अपने मुंह से सिर्फ और सिर्फ जहर उगलते हैं? आखिर पुलिस ने असदुद्दीन ओवैसी को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? क्या सिर्फ और सिर्फ एफआईआर दर्ज कर यही बताने और समझाने की कोशिश कर रहे थे ताकि सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सके? इन तमाम सवालों का आज इस वीडियो में जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आज बेकसूरों को फंसाया कैसे जाता है और कसूरवारों को बचाया कैसे जाता है। क्योंकि हम सब ने तो एक चीज तो जरूर देख लिया है कि नुपुर शर्मा का गिरफ्तार ना होना, असदुद्दीन ओवैसी का गिरफ्तार ना होना सिर्फ और सिर्फ इस बात को जताता है कि कोई गरीब या कोई मिडिल क्लास का लोग या कोई अपनी हक की आवाज उठाता है तो उस पर कार्रवाई या एक्शन तुरंत कैसे लेना है, बुलडोजर कैसे चलाना है, ये हम सब ने तो देख लिया। तो चलिए पहले शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि नुपुर शर्मा कहाँ है। देखिए, दरअसल मुंबई पुलिस जब से रवाना हुई दिल्ली आई, नुपुर शर्मा के घर गई और पता चला कि मैडम साहिबा तो नहीं है, वो कहीं और जा चुकी है। नुपुर शर्मा के न होने का पता चलते ही देश में भूचाल मच जाता है। सवाल उठने लगता है कि नुपुर शर्मा गायब कहाँ हो गई, अचानक से कहाँ गायब हो गई। मुंबई पुलिस लगातार जो है एक दिन तक उनका इंतजार करती रही और तलाश करती रही, इसके बावजूद उनके हाथ नहीं लगा। क्या पुलिस भी सिर्फ एक दिखावा कर रही है या फिर आपकी ताकत कहाँ मर गई है, आपका सिस्टम कहाँ खत्म हो गया है? ये सवाल तो लाजमी है ना कि एक सिर्फ और सिर्फ एक वो नेता नहीं पकड़ी जा रही है जिसको कोई ना कोई बचा रहा है, एक वो नेता नहीं पकड़ी जा रही है जिसकी वजह से हजारों लोग आज गिरफ्तार हो गए लेकिन वो आज गिरफ्तार नहीं हो रही है। बड़ा सवाल है कि आखिर दिल्ली पुलिस के साथ साथ मुंबई पुलिस क्यों फेल हो रही है। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र के बाद जब दिल्ली में, दिल्ली के बाद जब पश्चिम बंगाल में एफआईआर दर्ज हुआ, इसके बावजूद ना तो उसे पूछताछ हुई और ना उनकी तलाश हुई कि आखिर वो कहाँ है। नुपुर शर्मा पे अब ये आरोप लग रहे हैं कि दरअसल उन्हें बीजेपी बचा रही है, दरअसल बीजेपी ने उन्हें बर्खास्त कर, सस्पेंड कर 6 साल के लिए सिर्फ ये जता दिया और बता दिया कि नुपुर शर्मा पे हमने बहुत बड़ा पहाड़ तोड़ दिया है, हमने बहुत बड़ा मास्टर के स्ट्रोक कर दिया। आरोप अब ये भी ले रहे हैं कि दरअसल नुपुर शर्मा को जो बचाया जा रहा है वो बीजेपी ही बचा रही है। बहरहाल इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है कि बीजेपी ही बचा रही है, लेकिन इस सवाल का जवाब मेरे पास है कि नुपुर शर्मा को कोई ना कोई राजनीतिक पार्टी ही बचा रही है, और नहीं तो आखिर दिल्ली पुलिस या मुंबई पुलिस या पश्चिम बंगाल पुलिस इतनी कमजोर कैसे हो सकती है? उन पे एफआईआर दर्ज होने के बावजूद उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? ये बड़ा सवाल है जिसका जवाब पुलिस के अलावा कोई दे नहीं सकता है। या तो कोई राजनीतिक पार्टी उन्हें बचा रही है या फिर पुलिस ही किसी के इशारे पर उन्हें बचाने में कामयाब साबित हो रही है। क्योंकि आज देश में एक से एक इंटेलिजेंस है आपके पास, एक से एक पुलिस के 30 मार्खा है, उसके बावजूद सिर्फ नुपुर शर्मा और असदुद्दीन ओवैसी गिरफ्तार नहीं हो रहे। ओवैसी भी गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहे, इस सवाल पे मैं आऊं, लेकिन उससे पहले नुपुर शर्मा को लेकर लोग अब क्या कर रहे हैं ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं। हम सब ने देखा कि फांसी होने तक की मांग उन बेशर्मों ने कर दी जो नुपुर शर्मा के बयान से नाराज चल रहे थे, क्योंकि फांसी देना, गिरफ्तारी करवाना, जेल भिजवाना और उन्हें सजा देना ये सिर्फ कोर्ट का काम है, जनता का काम नहीं है या फिर पुलिस का भी काम नहीं है कि उन्हें सजा मुकर्रर कर दे, क्योंकि ये काम कोर्ट का है। लेकिन इसके बावजूद उनके फांसी तक होने का मांग किया गया, गिरफ्तारी की मांग तक तो ठीक थी क्योंकि मुसलमान समुदाय नाराज थे। सवाल ये है कि इन तमाम चीजों के बीच देश ही नहीं पूरे विदेशों में इसको लेकर बवाल मचा, भूचाल मचा। विदेशों ने कहा कि भारत देश माफी मांगे नुपुर शर्मा को लेकर। उसके बाद किस तरह से ये मामला ठंडा हो गया ये हम सब ने देखा। कानपुर में बुलडोजर भी चल गया, प्रयागराज में बुलडोजर चल गया, लेकिन आज उन्हें इंसाफ नहीं मिला जो उनके बयान से अब तक नाराज थे। सबसे पहले ममता बनर्जी का जिक्र करते हैं जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जिस तरीके से 2 जुमे की नमाज के बाद जो हिंसा हुई,
पथराव हुए, जिस तरह से सरकारी संपत्ति को जलाया गया, इसका मतलब यही था कि इसके पीछे नूपुर शर्मा का हाथ है। और जिस तरीके से नूपुर शर्मा को बीजेपी बचा रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ममता बनर्जी कह रही है, और जिस तरीके से उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है और उसके नाम पर जिस तरह से आगजनी, पथराव और सरकारी संपत्तियों को जलाया जा रहा है, इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ किसी का हाथ है, तो वो है बीजेपी। ये ममता बनर्जी कह रही है। ममता बनर्जी ने इतना ही नहीं, सिर्फ साफ शब्दों में उन्होंने ये भी कहा कि ये बीजेपी के गुंडे हैं, बीजेपी दंगे करवा रहे हैं। इसको लेकर, ममता बनर्जी के बयानों को लेकर बीजेपी ने कुछ भी नहीं कहा और अभी तक ना कह रहे हैं। ममता बनर्जी यही पूछ रही हैं और अब भी पूछ रही हैं कि अब तक वो गिरफ्तार क्यों नहीं हुई है, इसका जवाब कौन देगा, कौन उसे बचा रहा है, ये भी सवाल है। मेरा सवाल ये भी है कि ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल की पुलिस ने भी एफआईआर दर्ज किया था, वो क्या कर रही है, वो भी आके गिरफ्तार कर ले, ये भी एक सवाल है जिसका जवाब मैं जानना चाह रहा हूँ। नूपुर शर्मा को लेकर अब पूरा मामला ठंडा हो गया और इसीलिए कभी जो है बीच में अग्निपथ स्कैम लाया गया और अब महाराष्ट्र में चल रहा है। दरअसल यही खेल था, यही पूरी तरह से प्लान था ताकि जो है नूपुर शर्मा को बचाया जा सके। अब बात करें अगर असदुद्दीन ओवैसी की, देखिए असदुद्दीन ओवैसी पे भी इसीलिए एफआईआर दर्ज किया गया था ताकि बैलेंस्ड किया जा सके, जो नूपुर शर्मा को लेकर देश में माहौल खराब हो रहा था, जो एक समुदाय के लोग आवाज उठा रहे थे, विरोध जता रहे थे, उनके खिलाफ सड़कों पर आ रहे थे, वो कैसे शांत हो जाए, वो कैसे मान जाए, कैसे चुप हो जाए, उसके लिए असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया। और मैं ये भी कहता हूं, अगर दम है तो आप असदुद्दीन ओवैसी को गिरफ्तार क्यों नहीं करते, अगर आपके पास दम है तो आप नूपुर शर्मा को गिरफ्तार क्यों नहीं करते। दरअसल आप करना ही नहीं चाहते और दरअसल आप कर भी नहीं सकते। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज देश का सिस्टम, देश की पुलिस सिर्फ राजनीतिक पार्टियों के इशारे पे नाचना जानती है, इंसाफ बेकसूरों को दिलाना नहीं जानती है। और बेकसूरों को फंसाना कैसे है, उन्हें गुमराह कैसे करना है, ये आज के राजनीतिक सिस्टम में आप सब, हम सब देख रहे हैं। मैं थोड़ा सा अब जिक्र ये भी करना चाहूंगा, सहारनपुर का वो वीडियो जिसमें पुलिस डंडों से पीट रही थी, जहां एक तरफ ऑस्ट्रेलिया, अगर विदेशों की बात करें तो जो गलत हुआ तो घुटनों के बल जो है झुककर पुलिस माफी मांगती है, लेकिन हमारे देश में घुटने पे ही जो है पुलिस डंडा मारती है ताकि हड्डी टूट जाए और फिर नौजवान सड़कों पे आ ही ना सके। सहारनपुर का जिक्र कर रहा हूँ, जो वीडियो सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल हुआ था, पुलिस डंडों से मारते नजर आ रही है और जब वहां के एसपी से पूछा जाता, कहते हैं मेरे तो इस संज्ञान में ही नहीं, मेरे जानकारी में नहीं है, बेचारे इतने मासूम है पुलिस, योगी पुलिस तो वैसे भी मासूम रही है। अब सवाल यही है कि आखिर उनकी गिरफ्तारी भी नहीं हुई और आज बेकसूरों के कितने लोगों के घर पे बुलडोजर चला गया, कितने की गिरफ्तारियां हो गई, आखिर उन सबको इंसाफ कैसे मिलेगा। सवाल यही है कि आखिर लापता गायब नूपुर शर्मा का पता कब चलेगा और पुलिस उन्हें गिरफ्तार कब करेगी। ये तमाम सवाल थे, देखते हैं कि आखिर पुलिस उन्हें गिरफ्तार कब करती है। आप हमारे इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं, आपके कमेंट का जवाब जरूर मिलेगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहें स्पिन आई न्यूज़। नमस्कार।